हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली टेन इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसे कि हमने बताया था, आज है फ्राइडे, तो आज हमारी वीडियो होगी फोर्थ सेम के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू किया हुआ था थियरी ऑफ मशीन, उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन शुरू किया था। तो एक वन मोर इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक मेरा ये पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है गाइज, तो प्लीज चैनल पे जाइए, जस्ट गो एंड वॉच, तो आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे और आपको समझने में और भी मजा आएगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है, वो है काइनेमेटिक लाइन और एलिमेंट हम किसे बोलते हैं। तो अ लाइन और अ एलिमेंट और अ काइनेमेटिक बॉडी, आप कोई भी लाइन एलिमेंट और अ काइनेमेटिक बॉडी और असेंबली ऑफ अ रेजिस्टेंस बॉडी विच कंस्टिट्यूट द पार्ट और पार्ट ऑफ अ मशीन, वो कोई भी एक पार्ट बनाता है या फिर मशीन का पूरा एक मैकेनिज्म बनाता है या फिर पूरा एक मशीन बनाता है, तो कनेक्टिंग अदर पार्ट, अगर वो दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है, विच हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, अगर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक लाइन और काइनेमेटिक एलिमेंट। तो मैं ये डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूं, a line or a element or a kinematic body or a assembly of a resistance body which क्या बनाता है, कोई मशीन का पार्ट बनाता है या फिर कोई मशीन बनाता है जो उसके पार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन जनरेट करता है, तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक लाइन और अ काइनेमेटिक एलिमेंट। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिंक कौन सी है। उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ काइनेमेटिक लाइन और एलिमेंट के। तो उसमें आता है पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, आप देख सकते हो। तो आईसी इंजन के पूरे कंपोनेंट्स को यहाँ पे ले लिया गया है। उससे पहले आप देख सकते हो, तो पिस्टन एक अलग ही कंपोनेंट है, फिर कनेक्टिंग रोड, फिर क्रैंकशाफ्ट हो गया, तो उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक एलिमेंट और काइनेमेटिक लाइन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक कैसे होती है, हम किसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं लिंक्स को। तो लिंक कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन इट्स एंड, वो उसके एंड के मुताबिक आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हो। कैसे, विच इट रिवॉल्व्स और टर्न्स एज अ, वो कैसे काम करती है, एज अ बाइनरी, एज अ टर्नरी और ऑफ अ क्वार्टरनरी एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है लिंक, बाइनरी लिंक है ये, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। जो टर्नरी लिंक होती है उसमें तीन पॉइंट होते हैं, तो उसको हम टर्नरी लिंक बोलते हैं। देखिए गाइस, आप वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आप याद रखना, आप रिमेंबर इट कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, तभी हम उसको काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट बोल सकते हैं। और अगर बात करें हम आखिरी वाले की, यानी कि क्वार्टरनरी लिंक, तो उसमें क्या है, फोर पॉइंट्स है जिसको अगर हम जॉइंट करते हैं और उसके बीच में रिलेटिव मोशन है, तो वो वाले मैकेनिज्म या फिर वो वाले मशीन को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी लिंक। वो वाले लिंक को हम क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी लिंक। तो यहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तीन टाइप्स देखे, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक्स एंड क्वार्टरनरी लिंक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप्स की ओर, जो कि है लिंक आर फर्दर क्लासिफाइड एज फेलोस, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूड लिंक। तो सबसे पहले बारी आती है रिजिड लिंक। तो अब हम रिजिड लिंक किसको बोलेंगे, रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। अगर आपका मशीन कोई भी मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है, कोई आप वर्क आउटपुट ले रहे हो, तो पक्का है कि आपके पार्ट्स जो है वो मोशन में रहेंगे। तो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन देयर द लिंक डज नॉट गो एनी डिफॉर्मेशन। अगर फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि मोशन हो रही है, तो फोर्स 100% अप्लाई होगा, लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, यानी कि आपने बाय डिफॉल्ट जितनी साइज की लिंक पुट की है उतनी ही साइज रह रही है ड्यूरिंग द ट्रांसमिटिंग मोशन, तो वो वाले लिंक्स को हम बोलेंगे रिजिड लिंक। क्या बोलेंगे हम, रिजिड लिंक बोलेंगे। तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कनेक्टिंग रोड। तो आप देख सकते हो कि अगर जब भी पिस्टन मूव करता है, कनेक्टिंग रोड अपनी मोशन को ट्रांसमिट करता है, लेकिन उसकी साइज में कभी डिफरेंस आता नहीं है। उसके बाद पिस्टन रोड हो गया, तो इन सब को हम बोलेंगे कि ये रिजिड लिंक है। रिजिड लिंक की डेफिनेशन क्या है कि अगर ट्रांसमिटिंग द मोशन वो डिफॉर्मेशन में नहीं जाती है, तो उसको हम बोलेंगे रिजिड लिंक। क्या बोलेंगे हम, रिजिड लिंक। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो कि है हमारी फ्लेक्सिबल लिंक। तो हम फ्लेक्सिबल लिंक किसको कहेंगे, अब फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच पार्टली डिफॉर्म्स,
वो क्या करती है, रिजिड से कितना डिफरेंस है, वो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन लाती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिटिंग द मोशन। किस टाइम पे, जबकि वो ट्रांसमिटिंग मोशन कर रही है, जबकि वो मोशन को ट्रांसमिट कर रही है, तब उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो वो वाले लिंक, हालांकि वो डिफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिटिंग मोशन को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो वाले लिंक्स जो है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। कैसी बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। तो आपको ये रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो उसमें कौन से आते हैं? बेल्ट आ गए हमारे, रोप स्प्रिंग आ गई, चेन आ गया, तो इन सारे को हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। हम उसको रिजिड लिंक नहीं बोल सकते क्योंकि ये पार्टली डिफॉर्म होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डिफॉर्मेशन जनरेट होता है, तो ये वाले को हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की ओर। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वो है हमारी फ्लूइड लिंक। अब हम फ्लूइड लिंक किसको बोलेंगे? अ फ्लूइड लिंक इज वन व्हिच इज फॉर्मड बाय हैविंग अ फ्लूइड इन अ क्लोज्ड वेसल। अगर एक क्लोज्ड वेसल है, वेसल हम किसको बोलते हैं? जो कि एक प्रेशराइज कोई भी लिक्विड को स्टोर रखता है, वो वाले डिवाइस को, वो वाले एलिमेंट को हम वेसल बोलते हैं। अब क्लोज्ड वेसल है यानी कि बंद है, ओपन नहीं है, एंड द मोशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड। अगर आप मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी फ्लूइड का यूज कर रहे हो बाय प्रेशर ऑफ कंप्रेशन ओनली, एज इन केस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात करें तो वहां पे प्रेशर ऑफ कंप्रेशन से फ्लूइड जो है वो मोशन को ट्रांसमिट करता है, तो वो वाले लिंक को हम बोलेंगे फ्लूइड लिंक। कौन सी बोलेंगे? फ्लूइड, क्योंकि उसमें मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज हुआ है? फ्लूइड का यूज हुआ है। तो उसके एग्जाम्पल कौन से? हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गई, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, एक्सेट्रा, जहां पे फ्लूइड का यूज करके आपको मोशन को ट्रांसमिट करना है। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, जो कि है हमारी स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? इट इज द असेंबली ऑफ अ नंबर ऑफ अ रेजिस्टेंस बॉडीज। क्या है वो? एक असेंबली है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी की, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट उसमें जॉइंट होंगे। हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अगर रिलेटिव मोशन में होंगे तो उसको हम काइनेमेटिक बॉडी या फिर लिंक बोलेंगे, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है इसलिए उसको हम स्ट्रक्चर में गिन रहे हैं। एंड मीन्ट फॉर कैरिंग अ लोड, वो क्या करता है? वो लोड को कैरी करता है। स्टेरिंग एक्शन, वो स्टेरिंग एक्शन करता है, तो वो वाले पार्ट्स को हम, वो वाले मैकेनिज्म को हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में वॉल्यूम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वॉल्यूम नहीं। और दूसरी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ये आप अच्छे से याद रखना, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि एग्जाम्पल देखें तो रूफ ट्रस, फिर रेलवे ब्रिज हो गया, फिर मशीन फ्रेम हो गई, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर है ये। क्या है ये? स्ट्रक्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि है हमारी कंस्ट्रेंड मोशन। अब हम कंस्ट्रेंड मोशन किसको बोलेंगे? मेनली तीन टाइप्स की होती है, कंस्ट्रेंड मोशन यानी कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कंस्ट्रेंड मोशन किसको हम बोलेंगे। द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स इन अ कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर हैव अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन। क्या करती है? अगर लिंक जो है, दो लिंक है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में मोशन को ट्रांसमिट करती है तो वो वाले को हम बोलेंगे कंस्ट्रेंड मोशन। क्या बोलेंगे उसको हम? कंस्ट्रेंड मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन। तो अब देखते हैं तीन टाइप्स में कौन से है, जो कि मैंने पहले ही बता दिए है आपको। तो सबसे पहले आता है कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। अब हम किसको बोलेंगे कि ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन है? व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर टेक्स अ प्लेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। क्या है? अगर कोई भी बॉडी की मोशन जो है, कोई भी पेयर के बीच की मोशन जो है, वो डेफिनेट डायरेक्शन में, अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उसके इरिस्पेक्टिव में अगर वो मोशन को ट्रांसमिट करते हैं, देन द मोशन इज सेड टू बी अ कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो वो वाली मोशन को हम क्या बोल सकते हैं कि वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहले आते हैं क्रेंक। तो क्रेंक क्या करता है? क्रेंक 360 डिग्री रिवॉल्व होता है। तो वो क्रेंक के साथ क्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको जॉइंट? वो है कनेक्टिंग रोड। जो कनेक्टिंग रोड है वो क्रेंक के साथ जॉइंट है। तो क्या हो रहा है कि कनेक्टिंग रोड किसके साथ? एक एंड है क्रेंक के साथ और दूसरा एंड है पिस्टन के साथ जॉइंट हुआ।
तो क्रेन जो है वो रिवॉल्विंग मोशन करती है, इस ये वाले मोशन के लिए जो कनेक्टिंग रोड जॉइंट किया हुआ है उससे एक और मोशन ट्रांसमिट होती है जो कि पिस्टन में है स्लाइडिंग मोशन के रूप में। तो ये वाले को हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। क्या बोलेंगे इसको हम? कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, क्योंकि क्रैंक आप देख सकते हो कि क्रैंक रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिस्टन जो है वो मूव कौन से हो रहा है, इन और आउट, आईडीसी टू ओडीसी, इनर डेड सेंटर टू आउटर डेड सेंटर पे पिस्टन मूव हो रहा है। तो ये वाले को हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। अब देखते हैं बी उसमें क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइडवेज लगाए हुए, गाइडवेज के बीच में क्या हो रहा है, गाइडवेज का काम कितना है, सिर्फ वो गाइड करता है किसको, जो की पार्ट मोशन में है, यानी कि यहाँ पे आपको मूविंग एलिमेंट दिख रहा है वो स्लाइडिंग मोशन करता है, तो उसको गाइड कौन करता है, उसको गाइड करता है गाइडवेज। अब सी देखते हैं, फिगर नंबर सी को देख लेते हैं। तो फिगर नंबर सी क्या है, तो एक कॉलर लगाया हुआ है उसके बीच में शाफ्ट है। तो आप सबको मालूम होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, शाफ्ट को यूज करते हैं। तो शाफ्ट जो है कॉलर के साथ है और उनको गाइड कौन कर रही है, गाइडवेज गाइड कर रहा है। तो ये वाले पार्ट्स को हम बोलेंगे कि ये सब पार्ट्स कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में है। किस में है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप्स की ओर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो हम किसको बोलेंगे कि ये इनकम्प्लीटली है, कंप्लीटली तो समझ में आ गया। व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक अ प्लेस इन वन मोर इन मोर देन डायरेक्शन। क्या है? एक डायरेक्शन के अलावा उससे एक से ज्यादा वाली डायरेक्शन में अगर पेयर जो है वो मोशन ट्रांसमिट करती है तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज सेड टू बी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। वो किस में है? वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में। तो जहां पे आपको फिगर में दिख रहा होगा ये जो है मैंने बोला था वो स्लाइड वेस है, गाइड वेस है, और इनके बीच में ये स्लाइडिंग एलिमेंट है जो कि यहां से लेफ्ट टू राइट स्लाइड होता है, ये इनको गाइड करता है, और दूसरी और एक डायरेक्शन में मोशन को ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो वन मोर डायरेक्शन में उसकी ट्रांसमिशन हो गई। तो इसको हम बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में है, यानी कि एक डायरेक्शन से ज्यादा में अगर मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप की ओर जो कि है हमारी सक्सेसफुली और पार्टली कंस्ट्रेंड मोशन। अब हम सक्सेसफुली या फिर पार्टली किसको बोल सकते हैं? व्हेन द मोशन बिटवीन द लिंक फॉर्मिंग अ पेयर, जो मोशन है वो क्या फॉर्म कर रही है, वो एक पेयर फॉर्म कर रही है, इज सच दैट द कंस्ट्रेंड मोशन इज नॉट कंप्लीटली बाय सेल्फ। वो क्या है, अपने आप से नहीं आ रही है बट बाय सम अदर मीन्स, कोई अदर की वजह से, कोई अलग चीजें की वजह से वो जो है वो मोशन ट्रांसमिट कर रही है, देन द मोशन इज सेड टू बी अ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन में। तो चलो अब हम समझते हैं फिगर में। द मोशन ऑफ अ शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बेरिंग एज शोन इन फिगर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक शाफ्ट लगाया हुआ है, वो किसके बीच में, वो उसके आउटर रीजन में, क्या है उसके आउटर रीजन में हमने डाला हुआ है फुट स्टेप बेरिंग। क्या डाला हुआ है? फुट स्टेप बेरिंग। तो क्या हो रहा है, जैसे कि हमको पता है शाफ्ट रोटेट होता है, लेकिन वो किस वजह से लिए रोटेट हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमने वेट डाला हुआ है, तो शाफ्ट जो है वो बाहर निकलने की भी कोशिश करेगा, क्या करेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन लाएगा और वेट की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। वो किस लिए आ रही है? वो आ रही है इस वेट की वजह से, जो कि एक डिफरेंट अदर फैक्टर है। क्या है वो? एक डिफरेंट अदर फैक्टर है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सक्सेसफुली और पार्टली कंस्ट्रेंड मोशन। क्या बोलते हैं? सक्सेसफुली और पार्टली कंस्ट्रेंड मोशन। तो आई होप आपको ये तीनों की तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की ओर जो कि है हमारी काइनेमेटिक पेयर। अब हम किसको बोलेंगे कि ये काइनेमेटिक पेयर है या नहीं? टू लिंक्स ऑफ अ मशीन, मशीन की कोई भी दो लिंक व्हेन इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, वो क्या होगी, वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में होगी, सेट टू बी अ पेयर, उसको हम बोलते हैं कि ये पेयर है। अगर दो लिंक को कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, वो एक पेयर बनेगी। काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ अ टू लिंक विच हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि एक दूसरे के रिलेटेड में वो मोशन कर रही होगी। अब उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स आर,
फर्स्ट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, लिंक्स के बीच में कौन सा नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन है, फिर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक्स, उन लिंक्स के बीच में कौन सा नेचर है वो, और फिर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, उसके बीच में कौन सा मैकेनिकल कंस्ट्रेंट वर्क कर रहा है। तो ये आप तीन टाइप्स में क्लासिफिकेशन देख सकते हो, किसका, काइनेमेटिक पेयर का, किसका, काइनेमेटिक पेयर का। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम पेयर किसको बोलते हैं। अगर कोई भी दो लिंक को कनेक्ट करते हो तो वो क्या फॉर्म करती है, वो फॉर्म करती है एक पेयर, और जो काइनेमेटिक पेयर रहती है उनके बीच में, वो दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होता ही है, इसलिए ही उसको हम काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। तो अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर, जो कि हमारा फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक। क्या है, स्लाइडिंग पेयर है, फिर टर्निंग पेयर है। तो इफ टू इट कंसिस्ट ऑफ अ टू लिंक कनेक्टेड इन अ सच अ मैनर दैट वन इज कंस्ट्रेंट, क्या कर रहा है, दो लिंक जो है वो ऐसी कनेक्शन बना रही है कि कंस्ट्रेंट टू हैविंग अ स्लाइडिंग मोशन, उन दोनों के बीच में कौन सी मोशन हो रही है, स्लाइडिंग मोशन रिलेटेड टू अनदर ईच अदर, क्या हो रहा है, रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन को वो जनरेट कर रही है, वो फॉर्म कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर, यानी कि स्लाइडिंग मोशन जनरेट कर रही है। और उसके एग्जाम्पल कौन से, रेक्टेंगुलर बार इन द रेक्टेंगुलर होल, फिर पिस्टन एंड सिलेंडर, आप समझ सकते हो यहां से, फिर टेल स्ट्रोक ऑन द लेथ बेड एक्सेट्रा। तो टेल स्ट्रोक में क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं। फिर सिलेंडर और पिस्टन में क्या होता है कि ये हो गया हमारा सिलेंडर और ये हो गया हमारा पिस्टन, तो वो एक दूसरे के बीच में क्या करता है, स्लाइड करते हैं, कंस्टिट्यूट अ स्लाइडिंग पेयर। तो क्या बनाते हैं, स्लाइडिंग पेयर। तो आई होप आपको स्लाइडिंग पेयर समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं टर्निंग पेयर की ओर। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ टू एलिमेंट कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट द कंस्ट्रेंट इन टर्न और रिवॉल्व, वो क्या करती है, वो टर्न करती है एक दूसरे के बीच में और रिवॉल्व करती है, अबाउट द एक्सिस ऑफ अनदर लिंक, दूसरे लिंक के एक्सिस के बिहाफ में वो रिवॉल्व या फिर टर्न करती है। अगर दूसरे एक्सिस के बिहाफ में वो अगर स्लाइड करती है तो वो आएगी स्लाइडिंग में, और अगर वो टर्न या फिर रिवॉल्व करती है तो वो उसको हम बोलेंगे कि ये टर्निंग पेयर है। क्या है, ये टर्निंग पेयर है। अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं, अ शाफ्ट विद कॉलर एट द बोथ एंड रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर होल, एक सर्कुलर होल है जिसमें शाफ्ट लगाया हुआ है, लेकिन कैसा शाफ्ट, दोनों साइड में, शाफ्ट के दोनों एंड में आपने कॉलर डाला हुआ है, तो वो वाले को हम बोलेंगे टर्निंग पेयर। क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर। फिर देख लेते हैं क्रैंकशाफ्ट टर्निंग इन द बेयरिंग, फिर आती है बाइसिकल व्हील रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सेल, जो कि हमारी बाइसिकल है उसका व्हील जो है वो एक्सिस के बिहाफ में रिवॉल्विंग करता है, तो वो भी आएगा टर्निंग पेयर में। तो ये सब चीजें क्या बनाती है, ये सब चीजें बनाती है टर्निंग पेयर। तो आई होप आपको स्लाइडिंग और टर्निंग पेयर दोनों की दोनों समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की ओर, जो कि है रोलिंग पेयर। अब हम रोलिंग पेयर कैसे, किसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही होगी। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं, व्हेन टू एलिमेंट आर सो कनेक्टेड दैट वन इज कंस्ट्रेंट टू रोल ओवर अनदर एलिमेंट, आपने दो एलिमेंट को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि एक जो है, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट पे रोल ओवर कर रहा है, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। विच इज फिक्स्ड फॉर्म्स अ रोलिंग पेयर, वो क्या करता है, वो फिक्स होता है इसलिए वो रोलिंग पेयर जनरेट करता है, यानी कि उसको हम रोलिंग पेयर बोल सकते हैं। लाइक रेलवे व्हील रोलिंग ओवर अ फिक्स्ड रेल एज शोन इन फिगर, रेलवे व्हील जो है वो रोलिंग कर रहा है किसके बिहाफ में, किसकी एक्सिस में, तो वो रेल जो होती है, वो पटरिया जो होती है उसके रिलेटिव में वो रेलवे व्हील जो है वो रोलिंग करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं रोलिंग पेयर। क्या बोलते हैं, रोलिंग पेयर। बॉल एंड रोलर बेयरिंग आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर, जो बॉल और रोलर बेयरिंग है वो भी एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, वो रोलिंग पेयर का। तो आई होप आपको रोलिंग पेयर भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की ओर, जो कि है हमारे स्क्रू और हेलिकल पेयर। तो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा और उसके नेम में भी पता चल जाएगा, इन द टू एलिमेंट इन अ कॉन्टेक्ट वन हैविंग इंटरनल थ्रेड्स, एक दो एलिमेंट जो कनेक्ट होंगे उसमें से एक के पास इंटरनल थ्रेड्स होंगे एंड अदर हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड्स, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो एक्सटर्नल थ्रेड वाला होगा।
एक जो होगा वो उसके पास इंटरनल वाले थ्रेड्स होंगे और दूसरा जो होगा उसके पास एक्सटर्नल वाले थ्रेड्स होंगे। When one element rotates about the fixed axis, उसमें से जो एक एलिमेंट है वो एक fixed axis के बिहाफ में रोटेट कर रहा होगा। क्या होगा? जो एक fixed axis है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, उसके बिहाफ में रोटेट कर रहा होगा। एंड अदर एलिमेंट द पेयर फॉर्म्स ऑफ स्क्रू पेयर, तो वो वाली जो पेयर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्क्रू पेयर। द मोशन इन दिस केस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टर्निंग एंड स्लाइडिंग, और यहाँ पे जो केस दिया हुआ है उसमें क्या है, वो टर्निंग और स्लाइडिंग उसमें दोनों ही मोशन लगती है। क्या लगती है? उसमें दोनों ही मोशन लग रही है। फिगर शोज द स्क्रू पेयर लीड स्क्रू ऑफ अ लीड स्क्रू जैक विथ नट एक्सेट्रा। यहाँ पे जो लीड स्क्रू दिखाया हुआ है लीड स्क्रू जैक के साथ विथ नट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू पेयर। वो किसका एग्जाम्पल है? वो स्क्रू पेयर का। आप देख सकते हैं इसमें इंटरनल थ्रेड्स होंगे, यहाँ पे जो स्क्रू लगाया हुआ है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड्स है, और वो ये जो फिक्स्ड एक्सिस है उससे बिहाफ में वो रोटेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ये कौन सी पेयर फॉर्म हो रही है? तो ये हो रही है स्क्रू पेयर, और उसको हम हेलिकल पेयर भी बोलते हैं। क्या? स्क्रू या फिर हेलिकल पेयर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट के पास, जो कि है हमारी स्फीयरिकल पेयर। तो हम किसको बोलते हैं स्फीयरिकल पेयर? व्हेन टू एलिमेंट्स आर सो कनेक्टेड दैट वन एलिमेंट हैविंग द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। जो दो एलिमेंट होंगे वो कनेक्टेड होंगे तो उसमें से एक कौन सा होगा? एक जो फॉर्म कर रहा होगा वो होगा स्फीयर। टर्न्स अबाउट द अदर फिक्स्ड एलिमेंट, वो क्या कर रहा होगा? वो दूसरा जो फिक्स्ड एलिमेंट है उसके बिहाफ में टर्न कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? वो टर्न कर रहा होगा। फॉर्म अ स्फीयरिकल पेयर, वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं स्फीयरिकल पेयर। तो फिगर शोज द स्फीयरिकल पेयर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्फीयर बॉल है और दूसरा यहाँ पे दो फिक्स एलिमेंट लगाए हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? टर्न कर रहे हैं। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिरर अटैचमेंट ऑफ व्हीकल्स पेंस एंड एक्सेट्रा फॉर सम एग्जाम्पल ऑफ स्फीयरिकल पेयर। वो क्या है? वो स्फीयरिकल पेयर के एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि ये स्फीयरिकल बॉल जो है वो ये फिक्स्ड लाइन के बिहाफ में क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है। क्या कर रहा है? वो टर्न कर रहा है स्फीयर को, स्फीयर वाली मोशन को वो जनरेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्फीयरिकल पेयर। आई होप आपको यहाँ तक की सभी पेयर समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि है दूसरा टाइप का, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक्स। अब उन लिंक्स के बीच में कौन सा कॉन्टेक्ट है, कौन से नेचर का कॉन्टेक्ट है, उसके बिहाफ में हम देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है लोअर पेयर। तो लोअर पेयर क्या है? व्हेन द टू एलिमेंट हैव सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट। अगर दो एलिमेंट के सरफेस या फिर उसके एरिया जो है वो अगर कॉन्टेक्ट में होते हैं, फिर अगर वो मोशन को ट्रांसमिट करते हैं रिलेटिव मोशन को, और टर्निंग हो गई या फिर स्लाइडिंग हो गई, तो उसको हम बोलेंगे लोअर पेयर। क्या बोलेंगे हम? लोअर पेयर। क्या कॉन्टेक्ट में होगा? उसका सरफेस और एरिया आर इन कॉन्टेक्ट। अगर वो दोनों लिंक है, वो दो एलिमेंट है, अगर वो मोशन को ट्रांसमिट करते हैं किससे? सरफेस एरिया और एरिया कॉन्टेक्ट से। कौन सी मोशन को ट्रांसमिट करते हैं? टर्निंग और स्लाइडिंग। तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो पेयर है वो लोअर पेयर है। कौन सी है? लोअर पेयर है। ऐसे ही हम देख लेते हैं हायर पेयर हम किसको बोलते हैं। व्हेन टू एलिमेंट हैव अ लिंक और अ पॉइंट कॉन्टेक्ट। अगर दो एलिमेंट के बीच में लिंक का कॉन्टेक्ट है या फिर पॉइंट का कॉन्टेक्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे हायर पेयर। क्या बोलेंगे हम उसको? हायर पेयर। अगर सरफेस और एरिया का कॉन्टेक्ट है तो हम बोलते हैं लोअर पेयर, और अगर पॉइंट और लिंक का कॉन्टेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं हायर पेयर। दोनों में कौन सी मोशन ट्रांसमिट हो रही है? या तो टर्निंग और स्लाइडिंग। कौन सी? या तो टर्निंग और स्लाइडिंग, तो उसको हम बोलते हैं हायर पेयर एंड लोअर पेयर। क्या बोलते हैं? हायर पेयर एंड लोअर पेयर। दोनों के बीच का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो लोअर पेयर होती है वो सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट से मोशन को ट्रांसमिट करती है, और जो हायर पेयर होती है वो फिर पॉइंट और लिंक या फिर लाइन कॉन्टेक्ट से मोशन को ट्रांसमिट करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की ओर, जो कि है हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। क्या है? नेचर ऑफ अ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। तो उसमें सबसे पहला आता है क्लोज्ड पेयर। अब हम क्लोज्ड पेयर किसको बोलेंगे? व्हेन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली। जो दो एलिमेंट है पेयर में उसको हम मैकेनिकली
जोड़ते हैं, मैकेनिकली हेल्ड टूगेदर करते हैं, यानी कि मैकेनिकली उसको ज्वाइंट करते हैं इन सच अ वे दैट दे ओनली रिक्वायर्ड टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम अकर। जो हमको रिलेटिव मोशन चाहिए सिर्फ वही मोशन वो जनरेट करेंगे तो वो वाली पेयर को हम बोलेंगे क्लोज्ड पेयर। क्या बोलेंगे हम? क्लोज्ड पेयर। और लोअर पेयर्स एंड सम हायर पेयर्स आर क्लोज्ड पेयर। तो सारी की सारी जो लोअर पेयर्स होती है एंड हायर पेयर्स में कुछ कुछ हायर पेयर्स जो होती है उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्लोज्ड पेयर है। अब देख लेते हैं एनक्लोज्ड केम एंड फॉलोवर एंड बॉल बेयरिंग आर क्लोज्ड पेयर। कौन सी है? क्लोज्ड पेयर है। अब सेकंड वाला की ओर जाते हैं जो कि है हमारी अनक्लोज्ड पेयर और ओपन पेयर। जैसे कि हमने क्लोज को देख लिया तो अब हम देखते हैं ओपन पेयर हम किसको बोलेंगे। When the two element of a pair are not held mechanically, आपने उस दो element को mechanically joint नहीं किए हुए but are held in contact by action of external force, वो कोई external force की वजह से वो contact में है, then उसको हम बोलेंगे कि ये open pair है और या फिर वो unclosed pair है। क्या है वो? unclosed या फिर open है। क्या होगा? mechanically contact में नहीं होगा किसके? अपने हिसाब से, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स जो डाला हुआ है उससे वो मैकेनिकली कॉन्टेक्ट में आ रहा है, उससे वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो वो वाले टाइप को हम बोलेंगे कि वो अनक्लोज्ड पेयर है। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से वो पेयर जनरेट कर रहा है जो कि मैकेनिकली ज्वाइंट नहीं किया हुआ है तो उसको हम बोलेंगे अनक्लोज्ड पेयर। तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। केम एंड स्प्रिंग फॉलोवर पेयर एंड रेल एंड व्हील, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है अनक्लोज्ड पेयर और ओपन पेयर के। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि सारे सबके सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सके मेरे साथ में और मेरी ये चीजें को मार्क कर सके, नोट कर सके। मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल पीडीएफ डालता हूँ जहां पे आपको यहाँ से लिखना ना पड़े, आप अपने हिसाब से उसको स्टोर कर सकते हो और फिर आप जब भी आपका मन हो तब वो चीजें वहां से देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। और गाइज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज जैसे कि मैंने बताया था मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में ही आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन से दिन में कौन सी सेम की वीडियो डालने वाला हूं। तो आप अगर यहां पे नए आए हैं मेरे चैनल पे तो आप प्लीज पिछले वाले वीडियो को देख के आए ताकि ये वाली सीरीज में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।